आग लगने के 22 कमरों में फंसे रहे, मदद के लिए पुकारा लेकिन होटल इंतजामिया का कुछ पता नहीं था, रिहाइश पजीर मेहमान खातून की दुहाई। इस तरह का स्मोक भर चुका था, हम 6 फ्लोर पे इतना स्मोक था कि हम लोग, कोई इंटीमेशन कोई अनाउंसमेंट नहीं थी कि सोते सोते लोग पास आउट हो जाए। हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भटिया में घरेलू नाचाकी पर नौजवान ने बीवी समेत 5 ससुरालियों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। फायरिंग से मुलजिम की 2 बेटियां भी जख्मी, मुलजिम नाराज, बीवी को मनाने ससुराल आया था। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारत सफारती आदाब भी भूल गया, सिक्योरिटी वजूहात का बहाना बनाकर मुशीर खारजा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। सरताज अजीज की अफगान सदर के बयान की मुजम्मत। भारतीय हुकाम का पाकिस्तानी सफारती अमले से नारवा सलूक, हाई कमिश्नर को मीडिया से दूर करने की कोशिश, अब्दुल बासित ने भारतीयों को झाड़ पिला दी। मारूफ बिजनेसमैन जावेद खानानी ने खुदकुशी की या कत्ल किया गया, तहकीकात जारी है। जाए वकुआ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, तफ्तीश के लिए चंद मजदूरों को हिरासत में लिया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अली रजा आबदी की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी, असेंबली रुकनियत से मुस्ताफी होने की हिदायत, अली रजा ने 23 अगस्त की पॉलिसी की पैरवी नहीं की, तर्जुमान का बयान। कराची से पेशावर जाने वाली खुशहाल खान एक्सप्रेस की 3 बोगियां बखर में भल रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई, तमाम मुसाफिर महफूज रहे, इमदादी कामों के बाद ट्रैक पर आमोदरफ शुरू हो गई, रेलवे हुक्काम। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 43,500 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया।